नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। पूरे देश में बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। कारागार, कोतवाली थाना और पुलिस चौकियों में अच्छी तरह साफ सफाई व्यवस्था के साथ रात्रि जागरण कार्यक्रम के साथ जन्मदिन मनाया। आप लोगों को बताते चले कि श्री कृष्ण का जन्माष्टमी तिथि की रात में हुआ था, इसलिए ज्योतिषियों का मानना है कि सूर्योदय के वक्त अष्टमी तिथि रहेगी। इसलिए उदया तिथि की परंपरा के मुताबिक ज्यादातर मंदिरों में 6 सितंबर को और कारागार कोतवाली थाना में 7 सितंबर को जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। ऐसे में गृहस्थ लोगों ने व्रत रखा और भगवान से ही भगवान की रक्षा की प्रार्थना की, और इसके बाद मध्य रात्रि की काली अंधेरी रात जेल के बंदी गृह में श्रीकृष्ण का जन्म होता है। और दो दिन जन्माष्टमी पर्व मनाने के पीछे तिथि और नक्षत्र का विशेष महत्व और कारण बताया जा रहा है। पुराणों में बताया गया है कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए 12 बजे रात्रि को पूजा पाठ कर व्रत तोड़ते हैं। इस बीच कोतवाली थाना कारागार में बंदियों को भी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आनंद के लिए कार्यक्रम होता है। कहीं भक्ति गीतों के माध्यम तो कहीं फिल्मी गीतों के माध्यम से रात्रि जागरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। और खागा के किशनपुर रोड राधा कृष्ण मंदिर में अद्भुत तरीके से सजावट की गई, जहां दर्शकों की भारी भीड़ देखी गई और माताएं बहनें श्री कृष्ण के पालने को जरूर झुलाती रहीं। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। माता जिनको याद करे, किस्मत वाले हैं जो किस्मत वाले तेरी।